नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले की है। तारीख थी 1 अप्रैल 2024। रतलाम जिले के रतलाम मंदसौर का जो 4 लेन राजमार्ग है, उस पर ढाढ़र के पास 21-22 साल की एक युवती का नग्न शव पड़े होने की सूचना आने जाने वालों ने थाने पर दी। थाने पर उस समय डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान जो प्रभारी निरीक्षक थे वो मौजूद थे। बात कोई 12:30 बजे की है। थाना जावरा की सारी पुलिस फोर्स लेकर वो मौके पर पहुंचे। इतनी रात होने के बावजूद भी काफी भीड़ वहां इकट्ठा हो गई थी। किसी आने जाने वाले ने जो गाड़ियों में तौलिए लगे होते हैं वो तौलिया निकाल कर उसके शरीर को ढक दिया था। पुलिस ने मौके पर सारी जांच पड़ताल की और पाया कि लड़की के शरीर पर कोई भी कपड़ा नहीं था। लड़की की गर्दन रेती हुई थी, कटी हुई थी और ऐसा लग रहा था कि कहीं और मारकर, आसपास ही कहीं और मारकर उसे यहां पर लाकर छिपाया गया या फेंका गया। खैर, थोड़ी दूर पर ही, कोई 10 कदम या 8 कदम की दूरी पर ही वो जगह भी पुलिस ने ढूंढ ली जहां पर संभवतः इस लड़की को मारा गया होगा। पुलिस के सामने बड़ा चैलेंज था लड़की की शिनाख्त करने का। पुलिस ने अपनी कोशिशें प्रारंभ की। पहले उसके शव का पंचायतनामा किया, बॉडी को सील किया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिर ई रक्षक एक ऐप है जिस पर शिनाख्त के लिए आसपास जो भी गुमशुदगियां हैं उनकी सूचना, उनकी फोटो उस पर अपलोड रहती है। तो उस ऐप पर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कई राज्यों में दर्ज गुमशुदगी के करीब 300 मामले निकाले गए और टीम लगाकर एक एक करके उन्हें चेक किया गया, लेकिन कोई भी उस गुमशुदगी में दिए हुए हुलिये से ये स्पष्ट रूप से नहीं क्लेम कर सका कि ये बॉडी इसी की है जिसकी गुमशुदगी लिखवाई गई है। पुलिस ने फिर सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब पर मृतका की फोटो जारी की और अनुरोध किया कि कोई अगर इसकी शिनाख्त कर देगा तो विवेचना में आसानी होगी। 1 तारीख की रात में मिले शव को ढूंढने के लिए पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। जो भी सोशल मीडिया से रिलेटेड या बाकी जो भी एसओपी थी सबका पालन किया, लेकिन 5 दिन तक कुछ भी पता नहीं लगा। 6 अप्रैल को रतलाम के औद्योगिक क्षेत्र थाने पर ग्राम नरेड़ी बेरा थाना खाचरौंद के रहने वाले राजकुंवर राठौर ने आकर ये बताया कि भारत सिंह राठौर की लड़की सविता पिछले 5 दिनों से गायब है और उसकी गुमशुदगी लिख ली जाए। पुलिस ने पूछा कि इतने दिनों बाद कैसे आपको ये पता लगा या इतने दिनों आप कहाँ थे अगर आपको 5-6 दिन से गायब होने की बात पता लगी थी। उन्होंने बताया कि दरअसल सविता रतलाम के सखवाल नगर में किराए के एक मकान में रह के
नर्सिंग के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक कोचिंग में उसने दाखिला लिया था और उसी की पढ़ाई कर रही थी। कई दिनों तक जब वो कमरे पर नहीं आई, कोचिंग भी नहीं आई, तो 5 दिनों बाद आसपास के लड़कियों ने और कोचिंग के संचालक ने फोन करके ये बताया कि 5 दिन से आपकी बेटी कोचिंग में नहीं आई है। भागकर घर वाले वहां सखवाल नगर के उस मोहल्ले में गए, उस कमरे पर गए जहां वो रहकर पढ़ाई करती थी। उस पे ताला बंद था। आसपास लोगों ने बताया कि साहब ये पिछले 5 दिनों से ये गायब है, हम लोग ये समझ रहे थे कि ये घर गई होगी। बाप के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई, इसलिए वो भाग के सीधे अपने औद्योगिक क्षेत्र थाने पर पहुंचे और उन्होंने गुमशुदगी लिखवाई। जैसे ही गुमशुदगी लिखवाई जा रही थी, वैसे ही वहां उपस्थित पुलिसकर्मियों ने ये कहा कि आपको मैं कुछ जेवर और कपड़े और फोटोग्राफ दिखाता हूँ, कृपा करके आप इसे देखकर ये बताइए कहीं ये तो आपकी बेटी नहीं है। और जैसे ही वो फोटो दिखाई गई तो राजकुमार ने मृतका की शिनाख्त अपनी पुत्री सविता के रूप में की। शिनाख्त हो गई। 6 दिन बाद पूरी बात उन्होंने बताई कि कैसे वो कोचिंग की तैयारी के लिए रतलाम शहर में एक कमरा किराए पर लेकर रहती थी। शिनाख्त होने के बाद घटना की वजह और अपराधी का नाम ये पता लगाने की जिम्मेदारी फिर पुलिस पर आ पड़ी। वहां के एसपी लोढ़ा ने बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज और मृतका के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल खंगाली गई। पहला काम यही होता है कॉल डिटेल का, जब से मोबाइल फोन आए हैं या उनका प्रादुर्भाव हुआ है तब से पहला काम मोबाइल फोन और कॉल डिटेल्स उनमें या फोटोग्राफ वीडियो, मतलब सारा खजाना मोबाइल फोन से ही मिलना होता है। इस कॉल डिटेल से ये पता लगा कि 1 अप्रैल को सविता के पास पिंटू सन ऑफ कालू सिंह राजपूत निवासी ग्राम कोठड़ी थाना ताल का कॉल आया था। थाना ताल का, ताल थाने में ये कोठड़ी गांव पड़ता है। और फिर मोबाइल लोकेशन से भी यही पता लगा कि सविता अपने उस सखवाल नगर वाले कमरे से चल दी और वहां से बस पर सवार होकर वो पंचेड़ा फंटा पहुंची। पंचेड़ा फंटा पहुंचने पर इसी व्यक्ति यानी पिंटू सना कालू सिंह वो और इसका मोबाइल फोन एक साथ आगे की तरफ बढ़ा और फिर थोड़ी देर बाद दोनों फोन स्विच ऑफ हो गए। जिस टावर से लास्ट बार फोन मूवमेंट के बाद स्विच ऑफ हुए, ये वही जगह थी जहां सविता की लाश मिली थी। उसके बाद आरोपी की तलाश शुरू हो गई और थोड़े दिन पता लगा कि आरोपी इस समय वहां पर है नहीं, वो भारतीय सेना की 43 फील्ड रेजिमेंट कारगिल में लांस नायक के पद पर पदस्थ है और वर्तमान में वो जम्मू कश्मीर के द्रास में तैनात है और 1.5 महीने की छुट्टी पर आया था। और जिस दिन वो छुट्टी से वापस जा रहा था, घटना ठीक उसी दिन की है। पत्नी उसकी घर पर थी। पुलिस ने पत्नी से पूछताछ शुरू की। पत्नी को
थाने पर ले जाया गया। महिला पुलिस ने बहुत कायदे से पूछताछ की और फिर वो टूट गई। पूरी बात यूं पता लगी कि सविता पिंटू के फुफेरी बहन की लड़की थी, सगी फुफेरी बहन की लड़की थी, यानी पिंटू की वो रिश्ते में भांजी लगती थी। यह भी पता लगा कि लगभग 3 साल से दोनों के बीच अवैध संबंध थे। जब वो 18-19 साल की थी तब से और हत्या के दिन तक इस फौजी जो पिंटू था उसके सविता से संबंध थे। लेकिन इसी बीच जून 2023 को पिंटू की शादी एक शीतल नाम की लड़की से हो गई। बड़े फौजी की शादी थी, धूमधाम से बारात गई और बहू विदा करके ले आई। पत्नी से जो जानकारी हुई वो ये हुई कि वो बहुत परेशान रहते थे सविता को लेकर। बहरहाल पुलिस ने पूरी बात आर्मी के अधिकारियों को बताया और फिर पिंटू को गिरफ्तार करके यहाँ के न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट, द्रास के न्यायालय से प्रोडक्शन वारंट प्राप्त करके रतलाम ले आए और तब उससे पूछताछ शुरू हुई, गंभीर पूछताछ शुरू हुई। तब उसने पूरा किस्सा बताया कि कैसे उसकी अपनी भांजी, ठीक है सगी भांजी नहीं थी लेकिन सगी फुफेरी बहन की लड़की थी, कोई ऐसा भी नहीं बहुत दूर का रिश्ता था या रिश्ते के नाम पर रिश्ता था, नज़दीक का रिश्ता था और रिश्ते में भांजी थी। 3 साल तक उससे जब संबंध होने के बाद जब शादी हुई तो इस बीच में जब सविता को ये पता लगा कि उसकी पिंटू की शादी हो रही है तो उसने फ़ोन करके पूछा कि मैंने सुना है तुम्हारी शादी कहीं तय हो गई है या शादी की डेट निकलने वाली है। पिंटू ने उसका भी जवाब दिया कि ऐसे बहुत ढेर सारे रिश्ते आए और अगर ज़बरदस्ती करेंगे भी लोग तो शादी में हर हाल में टाल दूंगा, ज़रूरत पड़ी तो मंडप से भाग जाऊंगा। हमेशा की तरह सविता ने उसकी इस बात का यकीन किया। लेकिन जब शादी हो गई और मोबाइल फोन पिंटू ने स्विच ऑफ कर लिया तो एक दिन वो अपने नाना के घर यानी मामा पिंटू के घर पहुंच गई, ये कह के कि वो शादी में नहीं आ पाई थी, मम्मी ने बताया था लेकिन मैं आ नहीं पाई थी, मेरे एग्जाम थे लिहाजा मैं आई हूं। आगे बताया पिंटू ने कि जब वो जाने लगी तो उसने ये कहा कि मोबाइल फोन ऑन कर दो और खबरदार कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करना, न ही सिम बदलना। मैं बात समझ नहीं पाया था कि अगले दिन हम दोनों की टेलीफोन पे जो बातचीत हुआ करती थी ऐसी 2 क्लिपिंग उसने मेरे मोबाइल फोन पर भेजी। जो अंतरंग बातें होती हैं उस तरह की वो क्लिप थी और नीचे ये लिखा कि तुमने बहुत बड़ा धोखा मेरे साथ किया है, ये क्लिपिंग्स और बहुत ढेर सारी फोटोग्राफ मेरे पास हैं जो मैं तुम्हारी पत्नी के मोबाइल पर भेजूंगी। मैं जब उनसे मिलने गई थी तो मैंने उनका मोबाइल नंबर ले लिया था और वो मोबाइल नंबर भी लिख कर भेजा। पिंटू की सांस अटक गई कि अगर पत्नी को ये सब मिला तो हाल की शादी है हफ्ते भर पहले की और देर नहीं लगेगी, पत्नी नाराज होकर चली जाएगी। उसने फोन पर ही बहुत समझाने की कोशिश की और ये कहा कि अब की बार मैं आऊँगा, मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्डिंग और फोटोग्राफ डिलीट कर दो, अब जो होना था वो हो गया, अब तुम्हारे कहने से या मेरे सोचने से कुछ नहीं होने वाला है, मैं अपने परिवार के दबाव के सामने
झुक गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। अब वो रह रह के ढूंढ ढूंढ के भेजती थी वॉइस रिकॉर्डिंग। ऐसा लगता है कि वो लगातार बातचीत को रिकॉर्ड किया करती थी और अंतरंग पलों के फोटोग्राफ धोखे से या छिपा के ले लिया करती थी। वो सब उसके पास थे। अगली बार जब वो आया तो उसने 50,000 रुपये रतलाम के उसके उस कमरे पे जाके उसे दे दिए और वहाँ थोड़ी देर भी रुकने की कोशिश नहीं की या मंशा नहीं जाहिर की। इससे वो और नाराज हो गई। उसने फिर घर पहुँचते ही कहा कि अब मैं ज़रूर ये सारी रिकॉर्डिंग की क्लिप और फोटोग्राफ तुम्हारी पत्नी यानी शीतल को भेजूंगी। वो फिर घबरा गया, लेकिन तभी उसने ये तय कर लिया कि उसे क्या करना है। उसने सोचा कि अब कितना पैसा हम इसको देते फिरेंगे और जरा सी भी ऊंच नीच हुई तो ये जरूर ये सब चीज़ें जो मुझे भेज रही है मेरी पत्नी को भेज देगी और मेरी ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तभी उसने ये प्लान बना लिया कि उसे करना क्या है। बहुत कोल्ड ब्लडेड प्लान उसने बनाया। जिस दिन उसको वापस जाना था 1 तारीख को, उसी दिन उसने फ़ोन करके उसे बुलाया कि वो तुरंत पचेड़ा फंटा के पास आ जाए, वो वहाँ से बुलेट से उसको लेने आएगा। और यही किया उसने। जैसे ही फ़ोन किया कि भाई आज हमने और कुछ डिसाइड किया है तुम्हारे बारे में, वास्तव में तुम्हारे साथ मैंने धोखा किया है, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ, मैं पश्चाताप करना चाहता हूँ, ये सुन के वो बस से सीधे चली आई पचेड़ा फंटा। पचेड़ा फंटा पर बुलेट मोटरसाइकिल पर पिंटू जो फौजी था वो इंतज़ार कर रहा था। वहीं उसे बिठाकर एक सुनसान स्थान पर ले गया, बुलेट खड़ी की और ये कहा कि वो लघु शंका के लिए जा रहा है। वो भी जैसे उतरी उसे वहीं ज़मीन पर गिरा लिया। गिराने के बाद चाकू से उसकी गर्दन काट ली। काटने के बाद वो वहां से सीधे अपने घर गया। पत्नी शीतल को, चूंकि पूरे कपड़ों में खून लगा था, पत्नी शीतल को उसने पूरी बात बताई और ये बताया कि क्यों उसने ऐसा किया है और ये भी बताया कि मेरे संबंध हुए थे, ये भी बताया कि वो ब्लैकमेल कर रही थी, काफ़ी पैसा मुझसे ले चुकी है, तो मैंने अभी अभी उसका कत्ल कर दिया है। फिर ये देखने के लिए शीतल ने कहा कि मैं भी देखना चाहूँगी कि तुमने मार दिया है कि नहीं मार दिया ऐसी चुड़ैल को। मोटरसाइकिल पर वो भी, शीतल भी पिंटू के साथ उस घटनास्थल पर गई। पिंटू और उसने मिलकर ये डिसाइड किया कि इसके सारे कपड़े उतार लो ताकि पहचान में ना आए। कपड़े पहने रहेगी, पुलिस अपने जो अज्ञात लाश की सूचना में कपड़ों का रंग और ये सब देगी, जरूर लोग पहचान लेंगे। तो शीतल ने यानी पत्नी ने फौजी की उसकी सारे कपड़े उतार दिए, खून जहाँ जहाँ गिरा था उसके ऊपर मिट्टी डालने की कोशिश की और जहाँ सबसे ज़्यादा खून पड़ा हुआ था वहाँ से घसीट कर दोनों लोगों ने उसे वहाँ से करीब 10 मीटर की दूरी जो झाड़ियाँ पड़ती थीं उनके बीच उस लाश को फेंक दिया और वहाँ से वापस चले आए। इस गंभीर घटना के लिए फिर ये जो एसपी साहब थे वहाँ लोढ़ा जी ने इसकी प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि कैसे कैसे लड़की की शिनाख्त हुई, कैसे सीडीआर से ये पता लगा कि ये सेना का वर्तमान का जवान ये इसमें इन्वॉल्व है, कैसे सारी बातें सेना के अधिकारियों को बताई गईं और एक टीम वहाँ से प्रोडक्शन वारंट बनाकर रतलाम उसको ले आई जहाँ पूछताछ में
ये बातें पता लगी। अभी 11 अप्रैल को इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रतलाम में ही लोढ़ा साहब ने की, और उसमें जो उनकी सर्विलांस की टीम थी उसको इनाम भी दिया, प्रशस्ति पत्र भी दिया। प्रभारी निरीक्षक डॉक्टर शक्ति सिंह चौहान को, जो पीआर डाबरे को, कन्हैया आवास को, इन सब लोगों को जिन्होंने बड़ी लगन से बहुत मेहनत करके इसको इसका अनावरण किया था, उनको सम्मानित किया प्रेस के सामने। आज की घटना, फौजी पिंटू ने अपनी सगी फुफेरी बहन की लड़की यानी रिश्ते में लगने वाली भांजी से संबंध बनाए। अब जरा आप सोच लीजिए, सविता भी ये भूल गई कि जिससे उसके संबंध हुए हैं वो रिश्ते में ही सही उसका मामा लगता है, बल्कि वो सपने देखने लगी कि लड़का नौकरी करने वाला है, फौज की नौकरी करने वाला है, देखने में अच्छा भला सुंदर है, और अगर इससे शादी हो जाएगी तो हमारा जीवन बदल जाएगा। इसलिए सविता अपना सब कुछ न्योछावर उसने कर दिया, पिंटू के ऊपर सर्वस्व न्योछावर कर दिया। लेकिन पिंटू के मन में इस तरह की कोई बात नहीं थी, उसके मन में सिर्फ और सिर्फ सविता का शरीर था, उसके आंखों में सिर्फ और सिर्फ सविता का शरीर था, उसके दिमाग में सिर्फ शरीर की बारे में गंदगी थी, इसके अलावा कुछ उसका उससे मतलब या लेना देना नहीं था। हर बार छुट्टी पर आकर अपनी उस फुफेरी बहन के यहाँ जाना सविता से मिलने के लिए, थोड़ी सी जब उसको हिचक इसमें लगने लगी तो वो रतलाम में ही कहीं न कहीं उसको बुलवा लेता था। एकाध दिन रतलाम में बिताने के बाद तब घर जाता था, लेकिन ऐसा लगा कि कहीं कोई पहचान न ले, लिहाजा उसने उसको नर्सिंग की परीक्षा देने के लिए जो कोचिंग सेंटर हैं वहाँ उसका एडमिशन करवा दिया, और फिर उसके लिए आसान हो गया। स्वयं जाके वो कमरा दिलवाया, इसीलिए मकान मालिक पिंटू को अपने किराएदार सविता का भाई मानता था, और जब जब वो छुट्टी पर आता था पहले उस कमरे पर उससे मिलता था, उसके बाद ही घर जाया करता था। ये सब चल ही रहा था कि इसी बीच घरवालों के पास शादी का एक प्रस्ताव आया। लड़की का नाम शीतल था। पिंटू ने कहा कि हम लड़की देखेंगे तब हम शादी करेंगे। पिंटू ने जैसे ही लड़की देखी उसे एक बार में वो पसंद आ गई। आप समझ सकते होंगे क्यों पसंद आई होगी। फौरन पसंद आ गई, शादी तय हो गई, और फिर शादी की डेट निकल आई, और जैसे ही शादी तय हुई पिंटू ने सविता से मिलना जुलना बंद कर दिया, कम भी कर दिया और बंद ही कर दिया। सविता को इस शादी की भनक लग गई और वो समझ गई कि क्यों इसने मिलना जुलना कम किया है या बंद किया है। उसने फोन किया कि अब मैं समझ गई कि तुमने क्यों मुझसे मिलना बंद किया है, तुम्हारी शादी तय हो गई है। फिर उसने वही फरेबी बातें पिंटू ने शुरू की कि तुम चिंता मत करो, बहुत सी शादियां आ ही रही हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि मैं किसी से भी शादी कर लूंगा। घर वाले अगर बहुत जोर जबरदस्ती करेंगे तो मैं मंडप से भाग जाऊंगा, सीधे तुम्हारे पास आऊंगा, फिर हम लोग शादी करेंगे। इस तरह की बात शायद उसने, या जैसा उसने बताया, कि इसलिए कि ऐसा ना हो कि शादी के दिन आकर वो वहीं पर तमाम तमाशा शुरू कर दे और ये शादी हमारी टूट जाए। उसको अपने रूम पर कन्फाइन करने के लिए कि तुम वेट करना, रात में मैं मंडप से भागकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वो रात भर सपने देखी रही थी, रात भर उसका इंतज़ार करती रही। मोबाइल फोन बंद हो गया तो जब मोबाइल फोन बंद हुआ तो वो भागकर इन्हीं मामा के यहाँ यानी अपने ननिहाल, सो कॉल्ड ननिहाल आ गई, और यही बहाना बताया कि शादी में नहीं आ पाई थी इसलिए मैं सबसे मिलने आई हूँ। वहाँ आकर वो सबसे पहले शीतल से मिली, उससे 10-15-20 मिनट बात की, उसका मोबाइल नंबर लिया।
फिर उसके बाद बाहर निकलते समय एक मिनट के लिए अकेले पिंटू से बात की और उससे कहा कि तुमने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है और जो तुमने ये मोबाइल स्विच ऑफ करके रखा है ये बहुत ही खराब बात है। ध्यान रखना कि अब तुम कभी मोबाइल स्विच ऑफ नहीं करोगे या दूसरा सिम नहीं लोगे, क्योंकि अगर ऐसा किया तुमने तो मैं शीतल का मोबाइल नंबर ले आई हूँ, हमारी तुम्हारी तमाम बातचीत की रिकॉर्डिंग और कुछ फोटोग्राफ मेरे पास हैं, होशियारी मत करना। ये कह के वो चल दी, पीछे पीछे ये भागा पिंटू, लेकिन उसने नहीं सुनी और वापस चली गई। अगले दिन उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग उसे भेज दी। पिंटू और सविता के बीच अंतरंग क्षणों की ये बातचीत आप तीसरा कोई आदमी अगर सुनेगा तो उसे अश्लील की श्रेणी में ही बताएगा। बहरहाल जब वो भेजी तो पिंटू डर गया, उसने कहा कि सब डिलीट कर दो, तुम जो कहोगी वो करूंगा। सविता नहीं मानी, वो रोज नई नई एक एक दो दो रिकॉर्डिंग भेजती रही और बोली कि तुम्हें अपना वादा निभाना होगा वरना ये शीतल के पास सब मैं भेज दूंगी। बड़ी मिन्नतों के बाद पिंटू ने कहा कि मैं तुम्हें 50,000 रुपये दूंगा, आ रहा हूँ फला तारीख को छुट्टी पर, तुमसे मिलते हुए 50,000 रुपये देते हुए आऊँगा, लेकिन ये सारी रिकॉर्डिंग और फोटो वीडियो सब डिलीट कर दो। उसने कहा ठीक है, मैं देखूंगी तुम क्या लेकर आते हो। भाग के वो एक छुट्टी मुश्किल से मिली कि साहब शादी हुई है मुझे जाना है। आया पहले रतलाम उसके रूम पर गया, 50,000 रुपये दिए और फिर वहां से बड़ी मिन्नत करके वापस आया। और जब वापस आया घर, 1.5 महीने की छुट्टी लेकर आया था, तो जब वापस आया तभी उसने दिमाग लगाया, क्योंकि तब भी वो एक एक करके रिकॉर्डिंग उसे भेजती रही पैसा लेने के बाद भी। फिर उसने कहा कि जाते समय भी मैं तुम्हें 20-25,000 रुपये दे दूंगा और जब वापस नौकरी पे जाऊंगा अगली तनख्वाह के मिलने के बाद मैं इतना पैसा भेज दूंगा, लेकिन वो किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं थी। तभी उसने प्लान किया कि इसे रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो किसी न किसी दिन ये शीतल को बता जरूर देगी। फिर पूरा प्लान तैयार किया, 1 तारीख को उसी दिन उसको वापस जाना था, 1 तारीख को उसे बुलाया, बुलेट से उसे रिसीव किया, उसे हाईवे पर ले जाकर खड़ा किया मोटरसाइकिल को लघुशंका के बहाने, जैसे ही वो नीचे उतरी उसे गिरा दिया और गर्दन चाकू से अलग कर दी। उसके बाद फिर जाकर पत्नी को पूरी बात बताई कि 3 वर्षों से मेरे इसके संबंध थे, शादी से बहुत नाराज है, ब्लैकमेल कर रही है, इतना इतना पैसा मुझसे ले चुकी है। पत्नी भी साथ में गई, उन्होंने कहा कि शिनाख्त ऐसे हो जाएगी, सारे कपड़े उतार लिए, उतार के उसे घर लाकर उसने जला दिया और बिल्कुल नग्न अवस्था में रात में वो ये भी नहीं देख पाई कि कुछ जेवर भी उसके जैसे अंगूठी या कान की जो बाली होती है वो उसके शरीर पर रह गई थी, जिससे उसके घर वालों ने उसकी शिनाख्त की थी। तो आश्चर्य ये है कि पत्नी ने भी इस काम में सविता को अपने रास्ते से हटाने में पिंटू का पूरा सहयोग किया। देखिए, कोई भी समाज रिश्तों और मर्यादाओं से चलता है, कोई भी समाज हो, किसी भी जाति धर्म वर्ग जो क्षेत्र कहीं भी जो समाज हैं, बहुत ही कोहेसिव समाज भी हैं जिनकी दुनिया बहुत लिमिटेड है, लेकिन उनकी भी मर्यादाएं होती हैं, उनकी भी सीमाएं होती हैं और इसी से ये चलता है। अगर और ये समाज ने ही एक निश्चित सीमा खींच रखी है मर्यादा की कि इसे कोई लांघे नहीं, लेकिन अगर इस तरह से रिश्ते तार तार होंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन होगा, तो समाज की सारी संरचना ध्वस्त हो जाएगी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।